आधे हिंदुस्तान में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित कई राज्य भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में अगले 24 घंटे में भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। बात केरल की करें तो यहां बाढ़ से 38 लोगों की मौत हो चुकी है। वायनाड और मलप्पुरम में भूस्खलन के कारण मलबे में कम से कम 40 लोगों के फंसे होने की आशंका है। केरल में रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित है और कई रेलगाड़ियों को रद्द करना पड़ा और कोची हवाई अड्डे के करीब 60% हिस्से में जलभराव के कारण यहां 11 अगस्त तक बंद है। राज्य के 14 जिलों में से 9 के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। राज्य भर के करीब 738 राहत शिविरों में 64,000 लोगों को फिलहाल रखा गया है। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। भारी बारिश के चलते लोगों को